देन हमने जावा सेटअप के लिए बहुत इजी सेटअप था, हमें बस दो चीज़ चाहिए थे, नोटपैड जिसका यूज़ करके आप कोड लिखोगे, और दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए था, नोटपैड इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, तो बस एक सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना था, वो था JDK, JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। तो हमने उसे इंस्टॉल किया, देन वी एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग दैट। तो हमें क्या चाहिए, बस नोटपैड और JDK, राइट, वेरी सिंपल सेटअप। तो हमने कोड लिखा, फिर उसे क्या किया, कंपाइल किया। तो कंपाइल करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर इज अ सब प्रोग्राम और अ सब सॉफ्टवेयर दैट इज़ पार्ट ऑफ JDK। तो JDK इंस्टॉल करते हो तो आप उसके साथ, आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ आपको एक्सेल या वर्ड इंस्टॉल होता है, वैसे ही जब JDK इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ जावा कंपाइलर भी आता है और JRE भी आता है। तो कंपाइलर का यूज़ करके हमने देखा था कि उसे कैसे कंपाइल करना है, फिर JRE का यूज़ करके हमने देखा था कि उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है या रन करना है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था प्रोग्राम मतलब बहुत सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसका यूज़ करके आप क्या करोगे, कुछ टास्क कंप्लीट करके लोगे कंप्यूटर से। टास्क कुछ भी हो सकता है, बहुत सिंपल भी हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, राइट। तो वो हमने देखा था, फिर उसे कैसे कंपाइल करते, कैसे एग्जीक्यूट करते, दैट वी हैव सीन, और बेसिक्स हमने बस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो यहाँ तक हमने कंटेंट थोड़ा बहुत हमने देखा है, राइट। तो ये बाकी सारा कंटेंट वी आर लेफ्ट विथ, एंड दिस इज द सिक्वेंस वी आर गोइंग टू फॉलो अप। तो टुडे विल बी कवरिंग वेरिएबल एंड डेटा टाइप। बिफोर दैट आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज जो भी बेसिक्स चाहिए आपको वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सो दैट वी विल कवर जो भी आपको अभी तक पढ़ाए वही बेसिक्स है। तो उसको थोड़ा क्विकली हम गो थ्रू करेंगे, देन वी विल एक्चुअली स्टार्ट विद वेरिएबल एंड डेटा टाइप। फिर उसके बाद आइडेंटिफायर, एंड दिस इज द सिक्वेंस वी आर गोइंग टू फॉलो अप। तो ये सीक्वेंस आपको, यही सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो मिनी प्रोजेक्ट्स आप कुछ ट्राई करेंगे, हम जैसे हमारा कोर जावा के एंड ऑफ वी विल ट्राई सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स। एडवांस जावा एज अ डेवलपर, नाउ फॉर अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, आपका यही तक होगा कोर जावा तक। लेकिन आपका कोर जावा सॉलिड है तो बाकी आप एडवांस जावा खुद से सीख सकते हो, फ्रेमवर्क्स आप खुद से सीख सकते हो। एडवांस जावा एंड फ्रेमवर्क्स आर नथिंग बट प्री डिफाइंड कोड। प्री डिफाइंड कोड मतलब किसी ने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है, उसे बस समझना है और उस कोड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारा बिजनेस यूज़ के सॉल्व करने के लिए, तो वो आप सीख सकते हो। सेलेनियम इज ऑल्सो फ्रेमवर्क, तो आप वो भी खुद से सीख सकते हो। आपका कोर जावा सॉलिड है ना तो आप बहुत कुछ खुद से सीख सकते हो, जैसे सेलेनियम हो गया, फिर आप बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है तो आप खुद से सीख सकते हो, राइट। तो ऐसा वहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं कि सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर के लिए ये नहीं सीखना चाहिए, कोर जावा में जो भी आते हैं आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो उसे, आपका सेलेनियम बहुत ईजी होगा। या आप कोई भी लाइब्रेरी सीखना चाहते हो, फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू। बट अगर आप यहाँ पे गलती करोगे, यहाँ पे ठीक से नहीं करोगे, तो सेलेनियम ऑल्सो यू विल स्ट्रगल, ठीक है। तो ये हम कवर करेंगे, उसके बाद एडवांस जावा, फ्रेमवर्क्स, डेवलपमेंट टूल्स, इसमें से आप दोनों के लिए, ये दीज टूल्स आर हेल्पफुल फॉर बोथ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर ऑल्सो एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑल्सो। सॉफ्टवेयर SDET स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टेस्ट, दोनों के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर, दोनों के लिए ये टूल्स बहुत ईजी, मतलब आना चाहिए, ठीक। देन एज अ डेवलपर यू लर्न दिस फ्रेमवर्क्स, एंड एज अ टेस्ट इंजीनियर यू लर्न सेलिनियम। एज अ डेवलपर आप ये फ्रेमवर्क सीखते हो, और अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर स्प्रिंग टेस्ट इंजीनियर भी यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क्स डिफाइन करने के लिए, तो आप इसका भी आप सीख सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉपरली चैनलाइज करके आप सीखोगे तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो आप क्या सीखोगे, डेवलपर सीखेंगे फ्रेमवर्क्स, दीज आर द डेवलपर फ्रेमवर्क्स, एंड वॉट यू आर गोइंग टू लर्न सेलेनियम। सेलेनियम इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क, राइट। सो देर आर टू पार्ट्स, सेलेनियम एंड दिस। सो वेदर टेस्ट इंजीनियर कैन लर्न दिस फ्रेमवर्क, ऑफकोर्स यू कैन लर्न। वेदर डेवलपर कैन लर्न सेलेनियम, येस ही कैन ऑल्सो लर्न, बिकॉज उसके लिए जो प्री रिक्विजिट चाहिए वो आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हो कोर जावा, तो आप सीख सकते हो। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे देखा था कि फर्स्ट डे तो हमने बस सिलेबस डिस्कस किया था, नेक्स्ट डे हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे बस समझ में आता है करंट का प्रेजेंस और अब्सेंस। करंट का प्रेजेंस वी रिप्रेजेंट विद हेल्प ऑफ वन, एंड करंट का अब्सेंस वी रिप्रेजेंट विद हेल्प ऑफ जीरो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर का समझ में क्या आता है, जीरोज एंड वंस,
सो दैट इज नथिंग बट अ बाइनरी सिस्टम, राइट? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बस दो ही डिजिट्स होता है, इसलिए उसे बाई, बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो डिजिट्स होता है, कौन सा? जीरो एंड वन. ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका होगा एट डिजिट्स होता है, 0 to 7, 0 to 7. डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास कितने सारे रहेंगे? 16, सॉरी डेसिमल में 10 रहेंगे और हेक्साडेसिमल में 16. तो ये डिफरेंट टाइप्स की नंबर सिस्टम्स है, ये बस आपको एज अ डेवलपर या टेस्ट इंजीनियर पता होनी चाहिए कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स है. बहुत सारी हो सकती है लेकिन दीज आर दी फेवरेट वन, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत सारी यूज होती है. तो इसको कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बैबेज, 1939. उस टाइम पे उस पर प्रोग्राम लिख रहे थे. अभी कंप्यूटर हम यूज़ क्यों करते हैं? कोई भी आपका टास्क इजी करना, इजी करने के लिए. जो काम आप खुद कर सकते हो उसको आप कंप्यूटर का यूज़ करके भी कर सकते हो. यस नो राइट? एडिशन आप सिंपल है, 1 + 2 आप कर सकते हो, लेकिन बहुत 20 डिजिट का एडिशन है या 20 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, आप खुद से कर सकते हो लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा और क्या होगा, मिस्टेक्स का चांस बहुत ज़्यादा. इसलिए हम क्या करेंगे, उसे किससे करके लेंगे? कंप्यूटर से, राइट? तो कंप्यूटर से करके लेने के लिए उसे बताना पड़ेगा स्टेप्स कि दीज आर द टू नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करो, फिर मुझे आउटपुट दे दो. सो दीज इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू द कंप्यूटर इज नथिंग बट प्रोग्राम. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज नथिंग बट अ प्रोग्राम. तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लिखते हैं. तो स्टार्टिंग में जो हम जिस लैंग्वेज का यूज करके हम प्रोग्राम्स लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी जैसे मैं आपके साथ हिंदी, इंग्लिश, मराठी में बात करता हूँ तो ये क्या हो गई? स्पोकन लैंग्वेज. वैसे जिस लैंग्वेज में मैं कोड लिख रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, जिस लैंग्वेज का यूज करके आई एम टॉकिंग टू द कंप्यूटर इज नथिंग बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक? तो इनिशियली इंस्ट्रक्शन जो लिखे जा रहे थे वो लिखे जा रहे थे बाइनरी लैंग्वेज में. इंस्ट्रक्शंस वेर रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज. लेकिन बाइनरी लैंग्वेज मतलब पूरा जीरोज एंड वंस में. तो जीरोज एंड वंस में कोड लिखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? लेंदी भी बहुत है, कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा और समझ भी नहीं आएगा आप क्या लिखोगे. 0101, एक टाइम के बाद आपको पूरा जम्बल्ड हो जाएगा, जीरो कौन सा है, वन कौन सा है. एंड ऑफ द डे आप कोडिंग करने के बाद आपको डिफरेंस समझ में आना बंद हो जाएगा, पूरा जीरो एंड वन देखोगे तो. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट कोड एंड यू हैव टू राइट लॉट ऑफ कोड, उसको मेंटेन करना इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी, इसलिए इसे आप लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हो या मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हो. तो इसमें दिक्कत आ रही थी, इसलिए डेवलपर पीपल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कम्फर्ट, सो दे स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ असेंबली. उसके बाद हमने कोड लिखना स्टार्ट किया था असेंबली में. तो असेंबली में क्या उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड इन जीरोज एंड वंस, तो आपने कोड लिखना स्टार्ट किया किसमें? इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश नेमोनिक्स, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, यू विल से एड नंबर वन नंबर टू, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई नंबर वन नंबर टू. तो इससे होगा हुआ क्या कि डेवलपर को थोड़ा कंफर्ट आ गया एज कम्पेयर टू जीरो एंड वंस में. यहाँ पे कोड थोड़ा रीडेबल हो गया एंड यू हैव टू राइट लेस कोड, यू हैव टू राइट लेस कोड एज कम्पेयर टू बाइनरी, राइट? लेकिन इसमें भी एक और दिक्कत है, ये भी इतना भी ईजी नहीं था. मतलब आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा ईजी था, ऐसा नहीं है. इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट. और इसमें कोड लिखने के लिए डेवलपर को क्या पता होना चाहिए? सिस्टम, हार्डवेयर, आर्किटेक्चर, उसमें कितने सारे पोर्ट्स हैं, रजिस्टर्स क्या हैं, सब उससे पता होना चाहिए. देन ओनली ही कैन राइट द गुड क्वालिटी कोड. अगेन, अभी आप कोड लिख रहे होते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड में, इंग्लिश में आप कोड लिख रहे थे, राइट? कम कम आप इंग्लिश में कोड लिख रहे थे लेकिन वो कंप्यूटर को समझ में आएगा क्या? आपने एक साइड इंग्लिश है और कंप्यूटर के क्या क्या समझ में आता है? जीरोज एंड वंस. तो आपका जीरोज एंड वंस तो कंप्यूटर को समझ में आता है लेकिन आपने कोड लिखा है इंग्लिश में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट, जो आपने कोड लिखा है इंग्लिश लाइक वर्ड्स में उससे ट्रांसलेट करना है किसको? बाइनरी में, जीरोज एंड वंस. तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज़ करते हो ट्रांसलेटर, या उसे असेंबलर भी बोलते हैं. तो असेंबलर विल टेक योर असेंबली लैंग्वेज एज अ इनपुट एंड इट विल जनरेट जीरोज एंड वंस, राइट? अभी इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टी. तो इसलिए पीपल स्टार्टेड इन्वेंटिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, एवरी यू विल सी देयर हैज़ बीन न्यू लैंग्वेजेस गेटिंग इंट्रोड्यूस. रीजन, एवरी वन वॉन्ट्स अ कम्फर्ट एंड फास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो फॉर दैट पर्पज दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज. सो 1970 सी, 1978 अराउंड सी प्लस प्लस, सी शार्प, देन 1990 अराउंड जावा, 1985 अराउंड पाइथन. तो देर हैज बीन लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज बीन इवॉल्व. तो इस टाइम के बाद आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं? हाँ, उसका यूजिबिलिटी, उसका क्या यूज़ है. आप ये क्वेश्चन ऐसा होगी, इतने सारे मोबाइल्स क्यों हैं मार्केट में, इतने सारी कार्स क्यों हैं, हर एक कोई अपना अपना बेटर देने का ट्राई कर रहा है. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे आर ट्राइंग टू गिव बेटर एंड बेटर समथिंग इन देयर पर्टिकुलर एरिया और मे बी मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑल्सो. दैट्स वाई वी हैव मोर एंड मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट. तो उसमें से जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके आप प्रोग्राम्स लिखोगे, इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, राइट. तो उससे क्या होगा? आपका टास्क कंप्लीट होगा. ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स एक साथ मिला के आपको क्या मिलेगा? सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर इट इज काइंड ऑफ अ लॉजिकली ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स टुगेदर. उससे एक मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर बनेगा, जैसे कैलकुलेटर, नोट पैड, एक्सेल, बहुत सारी ऐसे. तो जावा क्या है? इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग विच वी कैन राइट प्रोग्राम, डेवलप प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर्स विच विल हेल्प अस टू गेट सम वर्क डन फ्रॉम दी कंप्यूटर. अभी जावा किसने डेवलप किया था? जावा वॉज डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम. वॉट इज सन माइक्रो सिस्टम? इट इज अ कंपनी. नाउ देयर पीपल वर्क मस्ट बी वर्किंग इन दैट कंपनी. तो उस कंपनी में एक टीम था, ग्रीन टीम. उस टीम का टीम लीड कौन था? जेम्स गॉसलिंग. तो एक टीम, उस टीम का नाम था ग्रीन टीम. वहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे. तो उन्होंने क्या डेवलप किया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उन्होंने पहले उसका नाम क्या दिया था? ओक प्रोग्राम. लेकिन वो पहले से ही किसी ने रजिस्टर करके रखा था. तो उन्होंने क्या किया? फिर उसको ट्रेडमार्क फिर से दूसरा रजिस्टर कर दिया. जावा एज अ ट्रेडमार्क हो गया, ठीक. तो उन्होंने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप स्टार्ट करना किया, तो उनके पास कुछ एजेंडा था या सेट ऑफ मतलब प्लान था कि मुझे ये करना है. तो उनके पास क्या प्लान था कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे, उससे पहले एक उनका था ओरा. ओरा से पहले उनके पास दीज वेर दी एजेंडा. मतलब जो सॉफ्टवेयर आप बनाओगे लैंग्वेज का यूज़ करके, लैंग्वेज का यूज़ करके आप क्या करते हो? प्रोग्राम लिखते हो, उससे प्रोग्राम बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं. तो जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा जावा का यूज़ करके, सो इट विल नीड लेस मेमरी, लेस पावर, लेस टाइम कंजम्पशन एंड लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एंड लास्टली व्हाट इज दैट? ओरा इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर शुड रन ऑन ऑल ऑफ द डिवाइसेस और ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ठीक. दिस वॉज देयर एजेंडा. उन्होंने ये सारा प्लान किया था. देन व्हाट वॉज देयर टारगेट? देयर टारगेट ऑडियंस वॉज इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर डिवाइसेस, राइट. और ये बहुत सिंपल भी था. दिस वॉज सिंपल ऑल्सो, राइट. वाई इट वॉज सिंपल? दे वॉन्टेड टू मेक द लैंग्वेज सिंपल. सिंपल क्यों करना था उनको लैंग्वेज? वॉट वॉज देयर एजेंडा? क्योंकि लोग जितना डेवलपर उसे यूज करेंगे उतना फेमस हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, येस और नो? तो उन्होंने पहला तो टारगेट ऑडियंस उनका था इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर डिवाइसेस, देन मोस्ट ऑफ द डेवलपर शुड यूज दिस सो दैट इट कैन बी यूज बाय मल्टीपल डेवलपर, सो दैट द कम्युनिटी इंक्रीजेस एंड देयर विल बी लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो उन्होंने क्या किया? पहले जावा से पहले सी सी प्लस प्लस था. तो उन्होंने जो भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत सारे डिफिकल्ट थे, डेवलपर को पिन पॉइंट्स थे, उनको उन्होंने हटा दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे कि कोड लिखना आसान हो गया, ठीक. फिर नेक्स्ट डे हमने फिर से रिवाइज किया था ये सारा असेंबली वगैरह, ये नेक्स्ट डे हमने किया था, ठीक. दूसरा हमने बात किया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले किस में लिखा था? असेंबली लैंग्वेज में. लेकिन कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा था, उसलिए उन्होंने क्या किया? सी प्रोग्रामिंग इन्वेंट किया और सारा का सारा यूनिक्स उन्होंने फिर से किस में रीराइट किया था? सी में. और कौन भाई साहब थे उन्होंने ये किया काम? डेनिस रिसी. तो उन्होंने ये काम किया था अराउंड 1970 के आसपास, ठीक. तो 1990 के आसपास जावा इंट्रोड्यूस हुआ था. हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इट इज, व्हाई डू वी यूज इट. तो ठीक है, हमने अभी तक देखा कि जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसका यूज़ करके आप प्रोग्राम बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो. कैसे बनाते हो? जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो बहुत कम मेमोरी लेगा, बहुत पावर कम कंज्यूम करेगा, बहुत नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम लिखना पड़ेगा. तो अभी कोई पूछ सकता है कि वाई टू यूज जावा? तो जावा का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं प्रोग्राम्स. लेकिन सॉफ्टवेयर्स में कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते हो? तो सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास दो कैटेगरी होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
सिस्टम सॉफ्टवेयर्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, ऐसा सॉफ्टवेयर्स। और दूसरा कैटेगरी होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हम जावा का यूज़ करके बना सकते हैं। अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर डिवाइड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशंस। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप जावा का यूज़ करके, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हो, राइट। तो जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो उसके लिए एक जावा का अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, AWT, स्विंग, जावा एफ एक्स। AWT एंड स्विंग बहुत पुराना है, अभी इट इज़ आउटडेटेड, तो आप यूज़ कर सकते हो जावा एफ एक्स। देन आप यूज़ करते हो वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक, दीज आर दी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस। देन आप यूज़ कर सकते हो इंटरप्राइज और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट ऑल्सो, जैसे बहुत सारी बड़ी मतलब वेब एप्लीकेशन, लेकिन बहुत बड़ा वेब एप्लीकेशन विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस। सो इंटरप्राइज एप्लीकेशन, अभी वेब एप्लीकेशन क्या होता है, इट इज़ रनिंग ऑन अ सिंगल मशीन, रिमोटली सर्वर, रिमोटली जो कनेक्टेड मशीन होगा वहाँ पे एक रन होगा। इंटरप्राइज एप्लीकेशन बहुत बड़ा होता है, एक मशीन पे नहीं चल सकता, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट मशीन पे डिवाइड करना पड़ता है, कुछ पार्ट इस मशीन पे, कुछ पार्ट इस मशीन पे, सो दैट वी कैन रन दैट बिग एप्लीकेशन। तो ये सारे एप्लीकेशंस आप बना सकते हो, ठीक। तो वहाँ पे एक हमने एक डिस्कस भी किया था डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। तो हम वेबसाइट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, ये हम यूज़ करते हैं वेबसाइट। वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जावा, पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, PHP भी यूज़ कर सकते हो, .NET भी यूज़ कर सकते हो। तो वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जावा। वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, HTML, CSS, JavaScript, Angular, React एंड देर आर एन नंबर ऑफ अदर फ्रंट एंड लाइब्रेरीज आर देयर। अभी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, वेबसाइट, वेबसाइट मतलब एक आप सोचो वेबसाइट को ऐसे, बहुत लेमन टाइम में बता रहा हूँ आपको, आपने एक वर्ड, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला होगा, उसके अंदर आप नोट्स लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, राइट। उसको बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, फिर कोई पिक्चर्स हो सकती है, डायग्राम्स हो सकती है। तो HTML का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एक पेज डिज़ाइन कर सकते हो, यू कैन डिज़ाइन अ पेज, दैट पेज कैन बी एक्सेस ओवर द इंटरनेट। मतलब आपने एक लोकल पे पेज बना दिया, HTML से बोल्ड इटैलिक जो भी है करना कर दिया, CSS ने आपने उसको स्टाइल दे दिया, यहाँ पे वीडियो होगा, यहाँ पे ऑडियो होगा, कुछ सॉन्ग्स होंगे या जो भी टेक्स्ट रहेगा या डेटा रहेगा, इन शॉर्ट डेटा, डेटा कैन बी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, जो भी है। इस डेटा को आप पहले तो डिफाइन करते हो, किसका यूज़ करके, HTML से, और CSS से उसे क्या करते हो, उसको अलाइन करते हो प्रॉपरली, यहाँ पे वीडियो होना चाहिए, यहाँ पे HTML होना चाहिए, यहाँ पे आपका इमेज होना चाहिए, ये सब आप डिज़ाइन करते हो CSS से। मतलब CSS आपको क्या करता है, स्टाइलिंग के लिए यूज़ करता है, और HTML डिफाइनेशन के लिए। तो आपने ये पेज डिफाइन किया, उस पेज को आपने सेव किया, इस पेज को आप लोकली भी रख सकते हो, लेकिन लोकली रखोगे तो आप बस आप ही यूज़ कर पाओगे। तो आप ये पेज क्या करते हो, कोई रिमोट सर्वर पे रखते हो, जहाँ से क्या होगा, कोई भी आपका वेबसाइट विजिट करता है। वेबसाइट क्या होता है, व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट कुछ नहीं होता। देखो आपने क्या किया, आपका एक लोकल मशीन है, यहाँ पे क्रोम होगा, यहाँ पे आप कुछ टाइप करते हो वेबसाइट का नाम, राइट। वेबसाइट का नाम टाइप करते हो मतलब लेट्स से www.itshala.com, तो itshala.com ये हिट करेगा कहाँ पर, एक DNS सर्वर होता है, क्या होता है, DNS सर्वर। यहाँ पे क्या होता है, डोमेन और आपका IP, कोई भी सर्वर का, हर एक मशीन का एक IP एड्रेस होता है, तो आपका डोमेन और IP एड्रेस इनका मैपिंग होता है। ये आप रिक्वेस्ट करते हो डोमेन को नहीं, आप किसी नाम को नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एक IP एड्रेस को। तो यहाँ से आपका हिट होगा कहाँ पर, आपके सर्वर पे, आपसे मेरे, मैंने कुछ सर्वर ले रखा हो, होस्टिंगर या कोई कोई सा भी, तो रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगा, इस मशीन पे। तो इस मशीन पे मेरी कौन सी फाइल स्टोर होगी जो मैंने बना के रखी है, HTML फाइल। सो एवरी टाइम यू विजिट दिस लेट से itshala.com, यू आर विजिटिंग दिस DNS, DNS विल विजिट दिस होस्ट, दिस पर्टिकुलर सर्वर, एंड सर्वर आपको ये पेज दे देगा, उठा के एज इट इज दे देगा। ये स्टैटिक फाइल यहाँ पे बस स्टोर्ड है, ये फाइल ले ली और इसको दे दी। तो मुझे बताओ, 1000 लोग इसको विजिट करेंगे, 1000 लोगों को क्या मिलेगा, सेम फाइल मिलेगा,
whether it is going to change? No. So everyone will get the same response. So this is nothing but a web site, set of pages, set of web pages. वेब पेजेस मतलब एक कोई पेज जिसको आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। बहुत सिंपल इसको समझो, ऐसे एक कोई अपने पेज कहाँ पे एक सर्वर मशीन पे रख दिया, ये दिस इज द पेज। इस पेज को हमेशा आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ पेजेस, दो तीन जो भी पेज होंगे तो हमेशा आपको सेम पेजेस ही मिलेंगे। यू विल गेट द सेम सेट ऑफ पेजेस एवरी टाइम यू रिक्वेस्ट। सो योर रिस्पॉन्स इज नॉट चेंजिंग। इफ नाउ 10,000 और एनी नंबर ऑफ यूजर्स विल विजिट द वेबसाइट, एवरी वन विल गेट द सेम सेट ऑफ रिस्पॉन्स, सबको सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो इसे बोलते हैं स्टैटिक रिस्पॉन्स। क्या? स्टैटिक रिस्पॉन्स। हम उसे स्टैटिक वेबसाइट भी बोलते हैं, राइट? तो आपका रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा। तो हमें ऐसी साइट बनाने के लिए आप कौन सा टेक्नोलॉजी बना सकते हो? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसका यूज करके आप वेबसाइट बनाते हो। अभी समझते हैं वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, आप हर दिन यूज करते हो, आप हर दिन यूज करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि उसे वेब एप्लीकेशन ही बोलते हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू स्लीप विदाउट वॉचिंग एनी वीडियो? देर विल नॉट बी एनी डे। ऐसा कभी दिन तो आया नहीं होगा कि जिस दिन आपने कुछ वीडियो नहीं देखा होगा, कुछ फोटोज नहीं देखे होंगे। हर दिन वी आर एवरी डे वी आर वॉचिंग सम वीडियोज, वॉचिंग सम फोटोज। ऐसा कभी हुआ है आपने कभी वीडियो नहीं देखा? हाँ, कभी नहीं हुआ अभी तक। तो जब से जियो जियो आए तब से तो नहीं हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या टाइप करते हो, कोई वेबसाइट, लेट्स से YouTube.com, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा नाइस फॉर्मेटिंग आता होगा, यहाँ पे पेज आता होगा, यहाँ पे कोई सर्च बटन आता होगा, यहाँ पे आप क्या सर्च करते हो, जो भी आपको मनपसंद वीडियोज आपको देखना है आप टाइप करते हो। फिर ये जो आपने टाइप किया ये कहाँ पे जाता है? पहले तो आपने YouTube.com विजिट किया, हिट किया, वो पेजेस वीडियोस लोड होता है, वो कहाँ से आता है? सर्वर। ओके, तो आप मेरे सीधा DNS हटा देते हो, बीच में एक सर्वर, ठीक है? सर्वर, अभी वो जो वीडियोस देखते हो आप, वो सारी वीडियोस आपके मशीन पे प्रेजेंट होती है क्या? आपका मशीन इतना कैपेबल ही नहीं है ना इतना सारा डेटा रखने के लिए। कितना सारा डेटा होगा? बहुत सारा। तो ये डेटा कहाँ पे रखता है? सर्वर। सर्वर क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अभी जो भी मशीन है, अभी दिस कैन बी ऑल्सो अ सर्वर, दिस इज ऑल्सो अ सर्वर, बट दिस इज लोकल सर्वर। तो कोई भी मशीन को एक रिमोट सर्वर बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीन मतलब कोई भी मशीन हो सकता है, PC या कंप्यूटर। उसे हम सर्वर कैसे बना सकते हैं? इंटरनेट को कनेक्ट करो पहले तो, ठीक है? पहले तो कोई वहाँ पे OS विंडोज सर्वर हो सकता है, लिनक्स सर्वर। उसे विंडोज़ या लिनक्स सर्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कौन सा OS इंस्टॉल्ड है? विंडोज़। लिनक्स सर्वर है तो लिनक्स OS इंस्टॉल होगा, ठीक है? अभी विंडोज़ इंस्टॉल हो गया, उसके ऊपर आपको कुछ तो उसको सर्वर जैसे बनाना है ना। तो सर्वर जैसे बनाने के लिए अभी पहले आपने क्या किया, इस मशीन पे क्या इंस्टॉल किया? OS, ठीक है? पहले आपने इंस्टॉल किया OS, फिर आपने क्या किया उसके ऊपर, इसको पहले कनेक्ट करोगे इंटरनेट से, इट शुड बी इंटरनेट कनेक्टेड, राइट? फिर इस मशीन को आपको एज अ सर्वर ट्रीट करना है, तो आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, सर्वर सॉफ्टवेयर। एक कोई सॉफ्टवेयर होता है उसे हम इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं। तो ये क्या होता है, सर्वर सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल करने के बाद हम इस मशीन को हम बोलते हैं, पहले तो ये क्या है, सर्वर एक हार्डवेयर है और इस मशीन पे एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है। क्या सॉफ्टवेयर है वो, व्हाट इज दैट? सर्वर सॉफ्टवेयर। इन दोनों को मिला के भी आप बोल सकते हो पूरा सर्वर है, तो इसे बोल सकते हैं हम वेब सर्वर, वेब सर्वर है, ठीक है? और सर्वर को ज़्यादा दिमाग नहीं होता, सर्वर को ज़्यादा दिमाग नहीं होता। सर्वर का काम क्या है, जैसे उससे कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो चेक करता है कि इस रिक्वेस्ट को कौन देख सकता है। रिक्वेस्ट मतलब कोई, आप रिक्वेस्ट करते हो, राइट? YouTube.com विजिट करें मतलब किसके लिए रिक्वेस्ट करो आप? वीडियोस देखनी है ना आपको, वीडियोस देखनी है कुछ देख। तो आपने वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करी है किसको? सर्वर को। सो यू मेड अ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगा? सर्वर सॉफ्टवेयर के पास। अब ये सर्वर सॉफ्टवेयर देखता है कि मेरे मतलब ये रिक्वेस्ट है वीडियोस के लिए, तो वो खुद नहीं देखता, तो किसी और को भेजता है रिक्वेस्ट, किसी और को। मतलब उसको ज़्यादा दिमाग नहीं है, पहले समझो कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को ज़्यादा दिमाग नहीं है। वो क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आता है वो आगे भेज देगा। उसका काम क्या है,
गेट द रिक्वेस्ट एंड हैंड इट टू समवन एल्स। तो अभी उससे किसी और की हेल्प चाहिए होती, वो खुद रिक्वेस्ट देखेगा नहीं, ही विल नॉट हैंडल द रिक्वेस्ट। तो वो क्या करेगा, वो बस रिक्वेस्ट आएगा उसके पास तो उसे आगे भेजेगा, किसके पास, वो खुद तो नहीं करने वाला, ही इज काइंड ऑफ मैनेजर। मैनेजर काम नहीं करते, मैनेजर क्या करते, काम करके लेते हैं, करा के लेते हैं। तो हमें एक और बंदा चाहिए आगे, तो उस बंदे को हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। तो ये वेब एप्लीकेशन क्या करता है, एप्लीकेशन हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, वेब एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम है जो हम लिखेंगे। क्या करेंगे, हम प्रोग्राम लिखेंगे जो क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट इस सर्वर से आएंगे उसे हम रीड करेंगे एज अ डेवलपर। और फिर उसके साथ क्या करना है हमें, तो उसके साथ हमें लेट से यूज़र ने रिक्वेस्ट किया वीडियोस देखने के लिए, तो वीडियोस कहाँ पर होती है, फिर आगे सर्वर पे, हाँ ठीक है सर्वर पे ही, लेकिन वीडियोस कहाँ पे होगी, कहीं तो परमानेंट स्टोरेज होगा, स्टोरेज होगा परमानेंटली, तो वो स्टोरेज कहीं तो लेट से डेटाबेस होगा। अभी डेटाबेस एक परमानेंट स्टोरेज है, क्या है, परमानेंट स्टोरेज। डेटाबेस आपकी सेम मशीन पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी यूट्यूब का बहुत बड़ा डेटा है, तो डेटा सेम मशीन पे नहीं रखेंगे वो, ऑब्वियसली दे विल हैव मल्टीपल सर्वर्स। तो लेट्स अज्यूम दैट ये सर्वर डेटाबेस का कहीं और है, डेटाबेस कहीं और मशीन पे है, एक मशीन इतना कैपेसिटी तो है कि नहीं। तो फिर ये वेब एप्लीकेशन हम खुद बनाएंगे, वो क्या करेगा, हम इंस्ट्रक्शंस क्या लिखेंगे, डेवलपर जो भी रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट किसने किया, यूज़र ने, किसको किया, सर्वर को, कि मुझे वीडियोस दे दो बाबा। तो फिर रिक्वेस्ट आ गया आपके पास, तो आप एज अ प्रोग्रामर आप क्या करोगे, जो भी रिक्वेस्ट आया है यूज़र से उसे रीड करोगे, उसको देखोगे इसने किसके लिए रिक्वेस्ट किया है। तो आप इंस्ट्रक्शंस लिखोगे कि जो भी आपको आपको इनपुट आया है, जो भी रिक्वेस्ट आया है उसका डिटेल्स आप पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे आप उस, फिर उसको इंस्ट्रक्शंस क्या लिखोगे कि जो भी आपने यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर चीज़ को आप इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करके बोलोगे कि इस पर्टिकुलर जो भी रिक्वेस्ट है उसके लिए डेटा कहाँ से लेके आना है, डेटाबेस से। तो ये डेटा आप कहाँ से लेके आओगे, डेटाबेस से। कौन सा डेटा लेके आओगे, जो पर्टिकुलर वीडियोस डेटा लेके आए, फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन। तो आपको डेटा मिल गया, बहुत सारे डेटा मिल सकता है, लेकिन आपको पर्टिकुलर फिल्टर डेटा करना है, उसको कन्वर्ट करना है, जो भी करना है। तो आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया, तो ये डेटा किसको दोगे, फिर आगे सर्वर को, फिर सर्वर किसको देगा, यूज़र को। तो यहाँ पे डम गाय कौन सा है, सर्वर, सर्वर सॉफ्टवेयर। ये बस रिक्वेस्ट आएगा इसके पास और इसे वो आगे भेज देगा, आगे कौन किसके पास, हमारे मत्थे, हमें कोड लिखना है ना। सो हमारा जॉब कहाँ पर है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन विच इज रनिंग, एप्लीकेशन विच इज रनिंग। रन नहीं होगा तो कैसे रीड करेगा डेटा, कैसे आउटपुट भेजेगा, तो रनिंग चाहिए। सो वेब एप्लीकेशन इज अ एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन अ सर्वर मशीन। व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन अ सर्वर मशीन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एप्लीकेशन, व्हाई वी आर डूइंग दिस, टू जनरेट डायनेमिक रिस्पॉन्स, टू जनरेट डायनेमिक रिस्पॉन्स। यूजर बोलेगा मुझे अभी वीडियो चाहिए जावा रिलेटेड या पाइथन रिलेटेड, जो भी बोलेगा वो हम रीड करेंगे पाइथन, ओके। तो पाइथन रिलेटेड वीडियोज आई विल सर्च इन द डेटाबेस, जो भी मैचिंग डेटा है उसको लेके आओ, फिर सर्वर को दोगो, फिर सर्वर किसको देगा, यूजर को, दैट इज नथिंग बट क्लाइंट। आपको समझ में आ रहा है वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन इट इज एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन अ सर्वर मशीन। तो ये हम जावा का यूज करके बनाएंगे, जो वेब एप्लीकेशन आप बनाओगे ये बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, जावा, ठीक है। और जो आप देखते हो स्क्रीन पे अभी, ये आप फर्स्ट टाइम जो दिखेगा लेआउट वगैरह, वो किससे बनाओगे, HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, बहुत सारा है, बहुत कुछ है। ये आप फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ या बैक एंड डेवलपर बन जाओ। तो सैलरी दोनों को भी मिलती है, अच्छी खासी मिलती है, दोनों बन जाओ फिर, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, पूरा आप पूरा सिस्टम बना सकते हो, राइट। सो एज अ फुल स्टैक डेवलपर यू लर्न फ्रंट एंड ऑल्सो एंड बैक एंड ऑल्सो। तो बैक एंड किस में बनता है, जावा में। तो जावा का हमने कोर्स का नाम ही दिया है जावा बैक एंड इंजीनियर,
लोग बोलते इतना कोर्स का नाम बड़ा लग दिया आपने, क्या हो रहा है, जावा बोल दो सीधा। लेकिन जावा हमने जानबूझ के उसको लिखा है जावा बैकएंड इंजीनियर, आप बैकएंड का काम करोगे, राइट। वेबसाइट डेवलप फ्रंट एंड रिएक्ट इंजीनियर, हमने क्या बोला है, फ्रंट एंड रिएक्ट इंजीनियर। फ्रंट एंड मतलब आप जो भी फ्रंट साइड देखेगा, वेबसाइट डेवलप करोगे, तो आपको कोई पूछेगा कि जावा का यूज करके आप क्या करोगे, क्या डेवलप करोगे, वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। और HTML, CSS, React, Angular, इसका यूज करके आप क्या डेवलप करोगे, वेबसाइट। तो समझ में आ रहा है, वेबसाइट वेब एप्लीकेशन। अभी नेक्स्ट आता है वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज बनाने के लिए आप जावा यूज करोगे। वेब सर्विसेज नथिंग बट इट इज़ अ वेरी बिग एप्लीकेशन विच इज़ रनिंग ऑन अ बिगर डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स, क्योंकि एक मशीन पे इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं रन पाएगा, तो हम क्या करते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल मशीन्स पे, ठीक है। अभी दूसरा एक लोड बैलेंसर आपको बस ऐसे ही बता दो, लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को डिवाइड। तो आपके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे, अभी कितने सारे लोग यूट्यूब देख रहे होंगे, बहुत सारे, कितने सारे गूगल मीट यूज कर रहे होंगे लोग, बहुत सारे। तो सर रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, गूगल के सर्वर पे, यूट्यूब के सर्वर पे। तो सर्वर एक ही होगा क्या, एक ही सर्वर होगा क्या, एक सर्वर एक ही मशीन होगा क्या, एक मशीन पे चल रहा है क्या सारा, नहीं होगा, राइट। तो पहले तो रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, एक लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर पहले एक कोई उससे पहले हुआ, सर्वर से जाने से पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके पास जो भी अवेलेबल सर्वर्स है उसमें से जो भी अवेलेबल सर्वर है उसके पास रिक्वेस्ट दे देगा, तो उसे बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। मतलब जो भी अभी लोड बैलेंसर कहाँ पर आएगा, सर्वर से पहले, सर्वर को विजिट करने से पहले आपको क्या आएगा, लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, जो भी लोड इनकमिंग रिक्वेस्ट का लोड है उसको डिवाइड करने के लिए काम आता है, ठीक। तो रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे जानी चाहिए, कब जानी चाहिए, वो बहुत सारा उसका अल्गोरिदम है, लेकिन अभी के लिए बस याद रखो कि हम जो भी रिक्वेस्ट का फ्लो है उसको हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल सर्वर पे, जिससे कि आपका एप्लीकेशन जिंदा रहे, अदरवाइज योर सर्वर विल विल क्रैश। एक ही सर्वर पे सारा लोड आएगा तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। ये हम बनाएंगे जावा का यूज करके, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली वी कवर दिस इन द एडवांस पार्ट, बट राइट नाउ दैट्स फाइन, ठीक है। हमने देखा कि वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, तो जावा का यूज करके हम क्या बनाएंगे, वेब एप्लीकेशंस, ओके ओके। देन वी हैव सीन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, व्हाट इज प्लेटफॉर्म, वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं, व्हाट इज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मीन्स विच लेट्स यू रन एनी अदर एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म इज एनीथिंग विच लेट्स यू एप्लीकेशन, लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, बाकी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब वेरी सिंपल, जो कोड आप एक मशीन पे कंपाइल करते हो, आपका 3 स्टेप प्रोसेस होता है, राइट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो आप कोड लिख दिया, उसको फिर कंपाइल किया, तो कोड विच इज कंपाइल्ड ऑन वन मशीन और वन प्लेटफॉर्म, लेट्स से विंडोज प्लेटफॉर्म, इफ इट इज एबल टू एग्जीक्यूट ऑन लिनक्स प्लेटफॉर्म देन वी कैन कॉल इट एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इफ अ कोड विच इज कंपाइल्ड ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रन दैट कोड ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, लेट्स से लिनक्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कोड आपने एक मशीन पे कंपाइल किया वो दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब कोड आपने एक मशीन पे कंपाइल किया वो दूसरे मशीन पे आप लेके नहीं जा सकते, दूसरे टाइप के मशीन पे लेके नहीं जा सकते। तो सी और सी प्लस प्लस कैसे हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जावा कैसा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, परफेक्ट। और ये ध्यान याद रखो पूरा बात, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आप कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, नॉट ओनली जावा। तो कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए टू डेवलप इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वेब एप्लीकेशन, हाई लेवल नहीं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट चाहिए। मैंने आपको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डिफरेंस बताया अभी, राइट, क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट,
यस तो आपने सी और सी प्लस प्लस का आपको बताया मैंने क्या होता है, आप कोड लिखते हो, ठीक है, इसे आप कंपाइल करते हो कंपाइलर का यूज करके, ये आपका कंपाइलर है। तो कंपाइलर सीधा क्या जनरेट करता है, जीरोज एंड वंस विच आर अंडरस्टूड बाय सिमिलर प्लेटफॉर्म, ये विंडोज पे चल रहा है तो ये विंडोज पे चलेगा, राइट। तो आपका ये मशीन एक मशीन है, उस मशीन पे आपने कोड लिखा कंपाइल किया, ये मशीन है विंडोज। तो आपने जो जीरोज एंड वन जनरेट किया दिस आउटपुट कैन ओनली बी रन ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, ये हो गया डिपेंडेंसी। मतलब इसको रन करने के लिए क्या आप किस पे ऊपर डिपेंड हो, विंडोज मशीन पे, आपको इसे लिनक्स मशीन पे नहीं चला सकते आप, लेट्स से दिस इज लिनक्स मशीन तो आप इसको नहीं चला सकते। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मतलब आपने कोड लिखा उसको कंपाइल किया और जो भी कंपाइल कोड है आप दूसरे मशीन पे चला पा रहे हो, इस मशीन पे चला पा रहे हो कोई भी मशीन पे, दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब ये मशीन कौन सा है, विंडोज मशीन हो आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ये विंडोज मशीन हो या मैक मशीन हो कोई भी हो। आपने क्या किया, कोड लिख दिया, लेट्स से दिस इज फाइल ऐप डॉट जावा फाइल, इसको दे दिया कंपाइलर को, तो कंपाइलर ने जो आउटपुट जनरेट किया दिस शुड बी एबल टू रन ऑन एनी ऑफ द मशीन, वी हैव मल्टीपल मशीन्स तो कोई भी मशीन पे चलना चाहिए, राइट। तो ये जब चलता है इसे बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्यों है इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, परफेक्ट। कोई हर एक यूजर्स के पास अलग अलग मशीन हो सकता है, तो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर तो नहीं बना सकते ना अलग अलग यूजर के लिए, राइट। तो इसलिए इट शुड बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट एप्लीकेशन आप क्लाइंट मशीन होता है, क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर मशीन पे, सर्वर कौन सा हो सकता है आपको पता है क्या, यूट्यूब का सर्वर कौन सा है, विंडोज मशीन है लिनक्स मशीन है, आपको पता भी नहीं है, राइट। स्टिल यू आर एबल टू एक्सेस दैट, राइट। सो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, दैट वॉज स्टेप्स हाउ जावा वर्क्स और हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा का कोड कैसे कंपाइल होता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देखा था हमने प्रोग्राम का, जावा कोड कैसे कंपाइल करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, दिस वॉज दी लास्ट सेशन वी हैव सीन, राइट। तो क्विकली इसको देखते हैं देन वी विल स्टार्ट विद द वेरिएबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो जावा का प्रोग्राम आप लिखते हो, उस फाइल को आप सेव करते हो, फाइल का नाम जो भी लिखना है आप लिख सकते हो ऐप डॉट जावा। तो जावा कैसे काम करता है, हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाउ इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सो यू राइट द कोड इन अ फाइल कॉल्ड एज ऐप डॉट जावा, देन वॉट यू डू यू गिव दिस फाइल टू अ जावा कंपाइलर, किसे देते हो आप, जावा कंपाइलर को। सो जावा कंपाइलर क्या करता है इस फाइल के साथ, ही विल चेक इज देर एवरीथिंग फाइन विद दिस, सिंटैक्स इज फाइन, इज देर एनी एरर, एरर है तो इफ इट इज एनी एरर देन इट विल शो इट हेयर, इफ देर इज नो एरर इट विल गिव यू आउटपुट फाइल, दैट फाइल इज ऐप डॉट क्लास फाइल। सो इस फाइल को आप बाइट कोड भी बोलते हो। अभी इस फाइल के अंदर पहले तो याद रखो दिस इज नॉट अ बाइनरी कोड, इसके अंदर आपको जीरोज एंड वंस नहीं होंगे, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, एक इंटरमीडिएट कोड होगा, दिस विल क्या हैव अ इंटरमीडिएट कोड। नाउ दिस इज डन ऑन वन मशीन, लेट्स से दिस इज योर वन मशीन, दिस इज वन योर मशीन। अभी जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है दिस आउटपुट यू कैन गिव इट टू अनदर मशीन, आपको यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि ये आगे कौन सा मशीन होगा, ये कोड कौन से मशीन पे जाएगा, यू डू नॉट नीड टू डेवलप वरी अबाउट एज अ डेवलपर, एज अ डेवलपर आगे कौन सा मशीन होगा आई डोंट नीड टू वरी अबाउट। तो मेरे पास लेट से थ्री कस्टमर्स आर देयर, आई हैव डेवलप अ सॉफ्टवेयर एंड आई हैव सोल्ड दिस सॉफ्टवेयर टू थ्री डिफरेंट कस्टमर्स, अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे मैंने एक कैलकुलेटर बनाया, तो मेरे पास तीन कस्टमर्स है, एक के पास लिनक्स है, एक के पास विंडोज है, एक के पास मैक है, दीज आर थ्री मशीन्स। तो आपने कोड एक ही बार लिखा है, यू हैव रिटन द कोड ओनली वंस। अब ये सारा कोड आप तीनों मशीन के पास दोगे,
एंड इफ इट इज एबल टू रन इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अभी ये सारा कोड इन तीनों मशीन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशीन पे रन करना है, तो रन करने के लिए इन तीनों मशीन पे एक सॉफ्टवेयर जरूरी है। व्हाट इज दैट? तो इन तीनों मशीन पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसका नाम होता है JRE। JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। सो यहाँ पर भी आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? JRE। तो तीनों मशीन पे JRE इंस्टॉल किया तभी आप जावा कोड रन कर सकते हो। तो हर एक मशीन पे क्या इंस्टॉल किया हमने? JRE। तो उसे इनपुट क्या है इस सॉफ्टवेयर को? दिस इज द इनपुट। क्या इनपुट है? जो भी बाइट कोड है आपको ये इनपुट होगा। सो दिस बाइनरी कोड, दिस इज नॉट अ बाइनरी कोड, दिस इज अ बाइट कोड इज द इनपुट योर JRE। तो JRE क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा जीरोज एंड वंस में एंड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस मशीन। सो दिस हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब आप कोड एक बार लिख रहे हो एंड दैट यू कैन रन ऑन एनी अदर मशीन। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। क्लियर? राइट? एवरी वन एबल टू अंडरस्टैंड दिस हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? दिस वी ऑलरेडी कवर्ड, आई एम जस्ट गिविंग यू वॉक थ्रू। ठीक। देन उसके बाद हमने देखा था एक जावा के हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो किसके लिए लिखते हो? आप कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो आप एक प्रोग्राम लिखते हो मतलब आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो किसके लिए? टू कंप्लीट अ टास्क। सो टास्क का कुछ एक सेट ऑफ बाउंड्री होगा, यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म। सो इट विल हैव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सो दैट वी राइट इन साइड द कर्ली ब्रेसेस। तो कोई भी टास्क करते हो तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। सो वील हैव अ नेम ऑफ अ टास्क, लेट्स से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा, राइट? तो इनपुट आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी टास्क कंप्लीट होने के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग सम आउटपुट ऑल्सो, सो यू कैन राइट द आउटपुट टाइप ऑल्सो। कौन से टाइप का डेटा आप रिटर्न करने वाले हो? तो यू कैन राइट आउटपुट ऑल्सो हेयर। तो ये दिस इज सैम्पल टास्क। ये सैम्पल क्या है? टास्क। इसे आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो। एक प्रोग्राम के अंदर आप बहुत सारे टास्क भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो। तो मिनिमम कितने टास्क होंगे आप एक प्रोग्राम के अंदर? एक। एक भी टास्क नहीं मतलब वो प्रोग्राम नहीं है, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? सो एवरी एप्लीकेशन, एवरी एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन? इट इज अ बिगर सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस व्हाट इज दिस? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, राइट? सो यू हैव मल्टीपल टास्क दैट इज कार्ड ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स टुगेदर वी गोट अ एप्लीकेशन। ठीक है? तो हमने एक जावा का एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखा था। व्हाट वॉज दैट कोड? इफ यू सी हेयर, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था हमने कल, राइट? सो दिस वॉज द कोड। तो इस कोड को हमने कैसे कंपाइल करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। तो हम इसे थोड़ा समझते हैं, थोड़ा बस क्विकली आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वेरी लेमन टर्म। ऑलरेडी हमने उसको देखा। तो इस कोड का यूज़ करके आप क्या कर रहे हो? जो भी प्रोग्राम लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखा है, इस कोड का यूज़ करके आप क्या कर रहे हो? प्रिंट कर रहे हो। कहाँ पर? स्क्रीन पर। यू आर प्रिंटिंग हेलो ऑन द स्क्रीन, यू आर प्रिंटिंग हेलो ऑन द स्क्रीन। ठीक है? अभी आप ये कोड देखो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ टास्क। व्हाट इज दिस टास्क? मैंने आपको अभी बोला था कि कोई भी टास्क होगा उसका इंस्ट्रक्शंस होगा। तो मेरे टास्क के कितने सारे इंस्ट्रक्शंस? एक ही लाइन का इंस्ट्रक्शन है। व्हाट इज प्रिंट? उस टास्क का नाम क्या है? मेन, राइट? मेन इज द नेम ऑफ द टास्क। देन व्हाट इज दिस स्ट्रिंग आर्स? दिस इज द इनपुट टू परफॉर्म दिस टास्क। देन व्हाट इज वॉइड? वॉइड इज रिटर्न टाइप ऑफ मेथड, मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क योर मेन मेथड और मेन टास्क कैन रिटर्न नथिंग। मीन्स वॉइड मीन्स डज नॉट रिटर्न, डज नॉट गिव यू एनी आउटपुट। पब्लिक मीन्स ये टास्क कोई भी एक्सेस कर सकता है आपके एप्लीकेशन में। स्टैटिक मतलब दिस इज कॉमन टास्क, दिस अ कॉमन टास्क। और ये क्या है? पब्लिक क्लास हेलो। तो आपके पास बहुत सारे टास्क होंगे, राइट? तो आप लॉजिकली उनको ग्रुप करोगे या सारे टास्क एक साथ ही लिखोगे? आप लॉजिकली ग्रुप करोगे टास्क को, राइट? तो लेट से आप कोई सिस्टम बना रहे हो, कार मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट में क्या करोगे आप? स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी टास्क है, नया स्टूडेंट सिस्टम में ऐड करना, ऐड न्यू स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट या सेंड ईमेल टू स्टूडेंट। सो दीज आर द टास्क विच आर रिलेटेड टू स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट के रिलेटेड टास्क अलग लिखोगे, ट्रेनर या टीचर्स के रिलेटेड जो भी आपके जो टास्क है उसको आप अलग से लिखोगे। तो
जो भी कोर्स के रिलेटेड जो भी टास्क है, नया कोर्स ऐड करना, नया कोर्स को अपडेट करना या डिलीट करना, ये सारे जो भी टास्क है आप इनको अलग लिखोगे, ट्रेनर रिलेटेड अलग लिखोगे, राइट। तो ये सारे टास्क आप लॉजिकली ग्रुप करोगे। तो ये लॉजिकली ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन ऑफ टास्क इज नथिंग बट अ क्लास। तो आप क्या करोगे, एक जो भी टास्क है आपको क्या करना है, बहुत सारे टास्क लिखना है स्टूडेंट के रिलेटेड या जो भी रिलेटेड। तो आपके पास मल्टीपल टास्क है, तो ये रिलेटेड टास्क, व्हाट आर दिस, दीज आर लॉजिकली रिलेटेड टास्क, तो इनको आप एक जगह पे लिखो। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, लॉजिकल ग्रुप, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ टास्क, ठीक। तो इसको आप एक अलग से कंटेनर में लिखोगे, तो आपने क्या लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस, और इसको आप कुछ नाम दे दो, लेट्स से स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी आपके टास्क हैं तो ये इस अंदर रहेंगे। तो ये स्टूडेंट क्या है, व्हाट इज द स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन है, ये ग्रुपिंग है, लॉजिकल ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन भी बोल सकते हो। तो आपने लिखा क्लास, क्लास स्टूडेंट मतलब एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है, इसके अंदर क्या है, लॉजिकली रिलेटेड सम टास्क है और कुछ डेटा भी हो सकता है, राइट। तो क्लास स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, जिसका यूज क्या है, टू कंटेन लॉजिकली रिलेटेड सम डेटा, लॉजिकली रिलेटेड सम टास्क ऑल्सो। तो टास्क को हमने बहुत सारे नाम दिया था, टास्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन, मेथड, प्रोसीजर, रूटीन, इम्प्लीमेंटेशन, बिहेवियर, देर आर लॉट मेनी नेम्स, राइट। सो टास्क मतलब जावा में मेथड बोल सकते हो आप, फंक्शन बोल सकते हो, रूटीन या प्रोसीजर या बिहेवियर या इम्प्लीमेंटेशन, देर आर लॉट ऑफ नेम्स, ठीक। तो आप लॉजिकली ग्रुप करते हो टास्क को किसके अंदर, एक क्लास के अंदर। तो आप क्लास लिख रहे हो मतलब आप क्या लिख रहे हो, आपने ये लिखा है मतलब ये क्या किया, अभी एक लॉजिकल ग्रुपिंग के अंदर एक टास्क भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकते हैं या कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। सो यू कैन हैव अ एम्प्टी क्लास ऑल्सो, बट देर इज नो यूज क्रिएटिंग अ एम्प्टी क्लास। सो यू विल हैव एटलीस्ट वन टास्क, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ टास्क, राइट। सो ये जो मैंने अभी लिखा ये हाईलाइटेड, दिस इज अ टास्क, ये टास्क का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टास्क, मेन। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या इनपुट दे रहे हो, स्ट्रिंग आर्क्स, आर्क्स मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब इनपुट, इनपुट टू कंप्लीट दिस टास्क। तो हमने इनपुट क्या दे दिया, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे मतलब, एरे मतलब मल्टीपल वैल्यूज, एक सिंगल वैल्यू नहीं दिया मैंने, मल्टीपल वैल्यूज, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब मल्टीपल वैल्यूज, स्ट्रिंग ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी स्ट्रिंग हो सकता है, ये इनपुट हमने किसको दे दिया, मेन को। दिस इज द मेन, व्हाट इज दिस स्ट्रिंग आर्स, दिस इज नथिंग बट इनपुट योर मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड क्या है, इट इज अ टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये इनपुट होता है, और ये हो गया आपका बाउंड्री टास्क को कंप्लीट करने का। और व्हाट इज दिस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज अ सिंपल इंस्ट्रक्शन टू प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन। वॉइड क्या है, ये टास्क कंप्लीट करने पर एज अ आउटपुट आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला, बस प्रिंट करके दैट्स इट। देन दिस इज पब्लिक मतलब ये टास्क कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस करना मतलब यूज करना, आप इसको कहीं से भी यूज कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन हो सकता है बहुत बड़ा, उसके अंदर जो भी आपको अदर टास्क हो सकता है उनको कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। स्टैटिक मतलब दिस इज कॉमन, ये बार बार रिपीट नहीं टास्क है, ये दिस इज कॉमन फॉर ऑल। इसके अंदर हमने एक लाइन लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो ये लाइन क्या करता है, प्रिंट करता है स्क्रीन पे हेलो। इस लाइन के अंदर भी क्या है, सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड क्लास मतलब पहले से बना बना क्लास है, जैसे हमने हेलो नाम का एक क्लास अभी बनाया ये वाला, वैसे सिस्टम क्या है, प्री डिफाइंड क्लास। उस क्लास के अंदर एक आउट नाम का एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कुछ डेटा है, राइट। जैसे इंटीजर डेटा हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, वैसे आउट भी एक वेरिएबल है। कौन से टाइप का वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल है। डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, अभी के लिए याद रखो कि ये कुछ तो डेटा है, कहाँ पर लिखा है उसको, सिस्टम क्लास के अंदर। और प्रिंटलन क्या है, टास्क, एक मेथड या टास्क या फंक्शन, प्री डिफाइंड है,
क्या है, प्री डिफाइन, कहाँ पर लिखा है उसको, प्रिंट स्ट्रीम नाम का एक प्री डिफाइन क्लास है, उसके अंदर ये प्रिंटलन लिखा है, और उसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या इनपुट दिया है, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो ये इनपुट किसको दिया हमने, प्रिंटलन मेथड को। तो प्रिंटलन मेथड क्या करता है, जो भी उसको इनपुट दिया है उसको बस स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करता है। तो हम इस प्रोग्राम को हमने लिख दिया, उसको सेव कर दिया, फिर उस फाइल को मुझे कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए आप क्या करते हो, आप ओपन करते हो कमांड प्रॉम्प्ट, और कहाँ पर ये सेव है आपकी लोकेशन ये फाइल, तो आप उस लोकेशन पे जाते हो, ये फाइल कहाँ पर सेव्ड है, सो आई हैव ऑलरेडी सेव दिस फाइल अंडर दिस डेस्कटॉप एंड देन आई हैव क्रिएटेड दिस फाइल अंडर नोट पैड। इफ यू सी हियर हेलो वर्ल्ड आई हैव, लेट मी डिलीट दिस, तो आई हैव अ फाइल कॉल्ड एज हेलो वर्ल्ड, वॉट इज अ फाइल नेम, हेलो वर्ल्ड, लेट मी क्लोज दिस। इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, हेलो वर्ल्ड। नाउ दिस फाइल आई वॉन्ट टू कंपाइल, तो आप करते हो सी डी, सी डी मतलब चेंज डिरेक्टरी चेंज फोल्डर। नाउ करेंटली आई एम इन साइड दिस फोल्डर बट आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर। अभी हमने नेविगेट किया है इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर और हमें हिट करना है जावा सी और फाइल का नाम, वॉट इज द फाइल नेम, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, हिट एंटर, देर इज एरर, वॉट इज द एरर, देर इज एरर, सो इट इज सेइंग दैट क्लास नेम इज हेलो वर्ल्ड एंड इट इज अ पब्लिक। लेट मी ओपन दिस, राइट क्लिक, ओपन विद नोट पैड। अभी इस फाइल के अंदर कुछ एरर है, देर इज सम मिस्टेक इन दिस, सो वॉट इज द मिस्टेक, वी विल सी दैट। मिस्टेक ये है कि इसका क्लास नेम कुछ अलग है, इस फाइल का क्लास नेम कुछ अलग है, तो हमने लिखा था हेलो, इसको सेव करता हूँ फिर से। सो लास्ट टाइम हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, लेट मी क्लोज दिस, ठीक है ये वाला कोड है, लेट मी कंपाइल दिस फाइल वंस अगेन, जस्ट गो टू कंपाइल दिस वन जावा सी एंड देर इज नो एरर नाउ। इस फाइल को कंपाइल करने के बाद आप फिर से फोल्डर के अंदर जाओ, आपको वहां पर एक और फाइल मिलेगा डॉट क्लास फाइल, इनपुट क्या था ये फाइल, उसको किसको दिया, कंपाइलर को, तो कंपाइलर ने क्या जनरेट किए करके दे दिया आपको, डॉट क्लास फाइल। अब ये डॉट क्लास फाइल में क्या होता है, बाइट कोड, बाइट कोड मतलब कुछ इंटरमीडिएट कोड, कैसे दिखता है ऐसा, इसके अंदर जीरोज वंस है क्या, नहीं है, वी डोंट हैव जीरोज एंड वंस, दिस इज जस्ट अ इंटरमीडिएट कोड, दिस इज जस्ट अ इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। अभी जो भी आउटपुट मिला है आपको, दैट आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, सो आई वी से जावा, और जो भी क्लास नेम है, क्लास नेम मतलब वॉट इज दिस क्लास नेम, मतलब एक लॉजिकल ग्रुप नेम है, क्लास नेम मतलब एक लॉजिकल टास्क के ग्रुप का नाम है, तो आप बोल रहे हो इसके अंदर जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करो, क्या बोल रहा हूँ, जावा, और क्लास का नाम आपने लिखा है, तो क्लास का नाम मतलब एक लॉजिकल ग्रुप का नाम है, व्हाट इज दैट, लॉजिकल ग्रुप नेम, लॉजिकल ग्रुप नेम, इट मींस इसके अंदर बहुत सारे टास्क रहेंगे, इसके अंदर बहुत सारे टास्क रहेंगे, तो आप मुझे बताओ मेरे पास 100 टास्क है, तो मुझे एग्जीक्यूशन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई भी काम मुझे पहला ये करना पड़ेगा, दूसरा ये करना पड़ेगा, तो कोई भी टास्क को आपको कंप्लीट करना ही है, राइट, तो 100 टास्क है, उसमें से पहला कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो जावा एप्लीकेशन में आप, आपके पास मल्टीपल टास्क रहे या मल्टीपल मेथड्स रहे, लेकिन एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा, एक एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से, जो टास्क का नाम है मेन, तो आपके पास बहुत सारे टास्क है, उसमें से पहला कौन सा टास्क कंप्लीट होगा, मेन, तो यहाँ से आपने रिक्वेस्ट किसको कर रहे हो, नाउ यू आर रिक्वेस्टिंग जेआरई, किसको, जेआरई को, कि ये वाला क्लास है, ये वाला कंटेनर का नाम है, इसके अंदर जो पहली वाली कौन सी मेथड है, मेन मेथड या मेन टास्क, उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और मेन मेथड का क्या काम होता है, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मेन मेथड, करेक्ट, मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर आप कोड कौन सा लिखते हो,
बाकी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप मुझे बताओ जावा को कैसे पता होगा कि, या कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क कंप्लीट नेक्स्ट करना है। तो आपके पास 100 टास्क है, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना, ये पहला एग्जीक्यूट करो, ये दूसरा एग्जीक्यूट करो, ये किसका जॉब है, मतलब डेवलपर का जॉब है, राइट। तो ये हम सिक्वेंसिंग कहाँ पर लिखेंगे, मेन मेथड। तो मेन मेथड में आप क्या कोड लिखोगे, मेन मेथड के अंदर आप दूसरा कोई कोड नहीं लिखोगे। मेन मेथड का काम क्या होना चाहिए, मेन मेथड का काम, मेन मेथड के अंदर आप दूसरा कोई कोड नहीं लिखोगे। आप कोड इसके अंदर ऐसा वाला कोड कभी नहीं लिखोगे, बस ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है। मेन मेथड के अंदर काम होना चाहिए बाकी कोड एग्जीक्यूट करके लेना, बाकी टास्क कंप्लीट करके लेना। तो मेरे पास ऐसे कोई बहुत सारे टास्क हो सकता है, वॉइड टास्क वन, ऐसे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं मेरे पास, राइट। तो ऐसे मल्टीपल टास्क मुझे टास्क 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस मेन मेथड का काम क्या होना चाहिए, ये जो भी टास्क है, लेट्स से टास्क वन पहले कंप्लीट करना है, ऐसे लिखो, टास्क टू नेक्स्ट टू कंप्लीट करना है, ऐसे लिखो, ये आपका काम होना चाहिए, ठीक। तो मेन मेथड का काम है बाकी टास्क को कंप्लीट करना, ठीक है, ऐसा आपका कोड होना चाहिए। तो ये जो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी आपने टास्क लिखे है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे इनविटेशन है, ठीक। अब ये सारे टास्क हो गए, तो इनको फॉर सिंप्लिसिटी आई एम जस्ट राइटिंग, ठीक है। लेट मी राइट सम कोड इनसाइड दिस ऑल्सो। ये सारे जो टास्क है ना, इसके अंदर आई विल राइट वन लाइन ऑफ कोड, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टास्क वन। तो ऐसे ही मैं सारे टास्क बना लेता हूँ, इससे काम थोड़ा इजी होगा। ये दूसरा टास्क है, इसका काम क्या है, प्रिंट करो टास्क। ऐसे मेरे पास, लेट से मेरे पास 6 काम है, तो हर एक टास्क का नाम भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएगा, सो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो मेरे पास कितने सारे काम है, अभी 6 काम है, तो हर एक टास्क का काम प्रिंट करना है टास्क वन लाइक दैट। अभी मेरे पास इतने सारे टास्क है, तो मेन टास्क जो है उसका टास्क क्या है, बाकी टास्क एग्जीक्यूट करके लेना। तो अभी मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ, जावा सी और हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मतलब मैंने रिक्वेस्ट किसके कर रहा हूँ, ये व्हाट इज क्लास नेम, क्लास नेम इज नथिंग बट अ कंटेनर नेम और लॉजिकल ग्रुप नेम विच कंटेन्स मल्टीपल टास्क। तो अभी इसको रिक्वेस्ट किया, मतलब आप क्या बोल रहे हो, इस क्लास के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो पहला टास्क है, कौन सा मेन टास्क, उसको कंप्लीट करो। उसके पास कंट्रोल आएगा तो अपने आप वो कहाँ क्या करेगा, बाकी जो टास्क है वो कंप्लीट करके। देखो ये टास्क 1, 2, 3, 4, 5, 6, इजी, समझ में आ रहा है आपको ये सब, ऑलरेडी आई थिंक वी हैव सीन दिस कपल ऑफ टाइम्स। सो एनी क्वेश्चंस, आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। यस राहुल, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टोर डेटा, हाउ टू स्टोर डेटा। हमें क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, कब स्टोर करना है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। सो हाउ टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम,
हाउ टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। नाउ यू टेल मी, आपको अभी पता है कि आप कोड लिखते हो, ठीक है, फिर उसे आप कंपाइल करते हो, फिर उसे आप फाइनली एग्जीक्यूट करते हो, राइट? आप मुझे बताओ डेटा कब स्टोर होगा? ये आपने राइट किया प्रोग्राम, आपने कंपाइल किया और उसे एग्जीक्यूट करना है। आप प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी आपको मेमोरी चाहिए। आपने बस ये राइट कर दिया, मतलब ये तो डिस्क पे स्टोर है ना अभी तो, बस दिस इज स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, वेयर इट इज स्टोर्ड ऑन दी डिस्क, परमानेंट स्टोरेज है वो तो, प्रोग्राम है नहीं, बस टेक्स्ट डेटा है वो तो। इसे आप कंपाइल करोगे, उसके बाद जो भी आउटपुट मिलेगा आपको, क्या आउटपुट मिलेगा? डॉट क्लास, ये भी अभी डिस्क पे ही है, एप डॉट क्लास फाइल, ये भी फिजिकल फाइल है, डिस्क पे प्रेजेंट है। कहाँ पर है? डिस्क। फिर इस फाइल को मुझे क्या करना है? रन करना है। रन करना है मतलब उसको इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना है, वन बाय वन वन बाय वन। अभी आप इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हो तो आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है? एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जो भी आप डेटा जनरेट होगा उसको कहाँ पे स्टोर करोगे? वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम ओनली, तो मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। तो मेमोरी कौन सा यूज होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए? रैम। तो रैम हमें यूज करनी पड़ती है, राइट? तो रैम में जो डेटा स्टोर होता है कब स्टोर होता है? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है, देन ओनली वी नीड रैम, राइट? और रैम मेमोरी परमानेंट होती है या टेम्पररी होती है? टेम्पररी। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म मतलब उसका डेटा वाइप आउट हो जाएगा, राइट? तो हमें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम हमें कुछ डेटा स्टोर करना है। एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वी नीड टू स्टोर सम डेटा। तो डेटा क्यों स्टोर करना है हमें? वाई डू वी नीड टू स्टोर डेटा? ईजिली एक्सेस, और कुछ भी कंप्यूटेशन करना होता है ना, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटेशन ओनली। तो हमें बहुत सारा कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, तो हमें डेटा भी स्टोर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो डेटा हम कब स्टोर करेंगे? एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो डेटा जो भी स्टोर करना है वो कहाँ पे स्टोर होगा? कोई मेमोरी लोकेशंस में, कुछ तो मेमोरी चाहिए होगी हमें, राइट? उसके अंदर हम डेटा रखेंगे, कब रखेंगे? एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हमें पहले तो देखो डेटा कब रखना है और कहाँ पे रखना है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वी वॉन्ट टू स्टोर सम डेटा। सो वाई डू वी वॉन्ट टू नीड वाई डू वी नीड टू स्टोर डेटा? हमें डेटा क्यों स्टोर करना है? कोई भी कैलकुलेशंस हो सकती है या कोई भी इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करना हो सकता है, राइट? तो अभी लेट से यूजर से आप इनपुट लोगे, राइट? आप बोलोगे कि दो नंबर के एडिशन करो। सो यू विल यूज अ नोट पैड कैलकुलेटर, वहाँ पे आप यूजर को पूछोगे कि इंटर नंबर्स, देन आई विल परफॉर्म दी। अभी जो भी यूजर इंटर करेगा डेटा, लेट से यूजर को दो नंबर का एडिशन करना है, ही वॉन्ट टू डू एडिशन ऑफ टू नंबर्स, नंबर वन एंड नंबर टू। तो अभी यूजर कुछ तो डेटा इंटर करेगा, आपने कुछ उसको ऐसे स्क्रीन दे दिया, यहाँ पे ऐसे दो बटन दे दिया और उसको बोल दिया इक्वल। तो ये कोई तो डेटा यहाँ पे पुश करेगा, लेट से 10 एंड 20। तो ये 10 20 कहाँ पे स्टोर करोगे? कोई तो मेमोरी होगा, राइट? सो वी नीड टू स्टोर दिस वैल्यूज। सो जो भी डेटा आपको स्टोर करना है, यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करोगे, उससे भी डेटा स्टोर करोगे, फिर जो भी आउटपुट आपको जनरेट करना है या कैलकुलेशन करना है, तो सम कुछ डेटा स्टोर, इनका एडिशन स्टोर करना है मुझे, तो आपको कोई और कंटेनर चाहिए होगा, लेट से इनका एडिशन हो गया 30। यहाँ तक क्लियर है? आपको कब डेटा स्टोर करना है? एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट? क्यों डेटा स्टोर करना है? जो भी यूजर से डेटा एक्सेप्ट करेंगे उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन करना होगा, या टेम्पररी उसे कैलकुलेट करना होगा या स्टोर करना पड़ेगा। तो ये डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी में, राइट? तो मेमोरी बहुत बड़ा मेमोरी होता है, उसके अंदर आपको बहुत छोटा छोटा बाइट्स मिलेगा। तो अभी लेट से आपके पास मेमोरी होगा 16 GB का रैम है, 16 GB का रैम है, तो गीगा बाइट्स है, दिस इज गीगा बाइट्स, राइट? सो वी नो 1 GB इक्वल टू 1024 MB, ऐसे ही होता है, राइट? 1 MB इक्वल टू 1024 KB, 1 KB इक्वल टू ऐसे ही कुछ होगा 1024 बाइट्स, राइट? तो 1 byte इक्वल टू 8 bits। तो आपके पास कम से कम कौन सा यूनिट होगा? 1 byte। तो मोस्टली आपको कितना, ये कम से कम यूनिट है, तो हम डेटा 1 byte 2 byte 4 byte 8 byte 16 byte ऐसे यूनिट्स रहेंगे हमारे पास, राइट? तो आपको बहुत छोटा डेटा स्टोर करना है,
तो आप कम से कम कौन सा कंटेनर यूज करोगे जावा में? 1 byte का, ठीक। तो आपको 1 byte डेटा चाहिए, तो 1 byte में कितना डेटा स्टोर कर सकते हो? 8 bits। फिर आपको और डेटा बड़ा चाहिए तो आपको और कंटेनर बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो अभी आपके पास, मुझे आप बताओ, एक कोई नंबर स्टोर करना है आपको, कोई नंबर स्टोर करना है, लेट से मुझे 1 नंबर स्टोर करना है, तो मुझे बहुत छोटा कंटेनर चाहिए होगा, तो मुझे इससे और बड़ा नंबर चाहिए, लेट से मुझे 1000 नंबर चाहिए, तो मुझे कंटेनर बड़ा चाहिए, 10,000 और बड़ा कंटेनर चाहिए। तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जावा में, 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte, 16 bytes, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte, 16 byte विल नॉट सी, बट 16 byte इज ऑल्सो देयर, 32 बाइट्स आर ऑल्सो। सो वी हैव दीज 4 bytes, 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte। तो अभी आपके पास डेटा, तो जो भी डेटा रखोगे आप, उसका कुछ तो टाइप होगा, नंबर हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है। तो आपके पास दो ही होंगे, क्या क्या डेटा रहेगा? एक तो नंबर्स रहेंगे और दूसरा रहेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी कि कैरेक्टर, ए बी सी डी एक्स वाई जेड वॉट एवर सिंबल्स हो सकता है, राइट। सो आपके पास दो कैटेगरी नंबर, एक तो नंबर टाइप का और टेक्स्ट टाइप का। तो नंबर टाइप का भी आपके पास बहुत सारा टाइप का डेटा होगा, दो टाइप का डेटा है मेजरली। नंबर टाइप्स कौन कौन से टाइप का हो सकता है? करेक्ट, आपके पास डेटा हो सकता है एक इंटीजर टाइप का और दूसरा हो सकता है फ्लोट। आपको इंटीजर फ्लोटिंग में डिफरेंस पता है, राइट। फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वाला, 10.35, 10.45। इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, -2, 3, 4, 5, वॉट एवर इट इज, राइट। सो फ्लोटिंग मतलब डेसिमल में होगा। तो ये दोनों टाइप का नंबर हो गया, इंटीजर और फ्लोटिंग। आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट में एक ही टाइप है क्या? कैरेक्टर। तो सिंगल एक कैरेक्टर आप लिखोगे, राइट। एक एक स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर लिखोगे, फिर सारा डेटा लिखोगे। आप मुझे बताओ, एक सिंगल कैरेक्टर रखने के लिए आपको कितना मेमोरी चाहिए? लेट से मुझे एक कैरेक्टर मेमोरी में रखना है, तो मुझे कितना डेटा चाहिए? हुँ? 2 bytes मुझे चाहिए, 2 bytes। आई नीड 2 bytes बिकॉज आई विल टेल यू द रीजन वाई 2 bytes। मुझे एक कैरेक्टर रखने के लिए मुझे कितना मेमोरी चाहिए? 2 bytes। लेट से मुझे ABC रखना है, तो कितना मेमोरी चाहिए मुझे? 6 bytes, ठीक। तो ये आपका रिक्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, आपको तो मिनिमम कितना चाहिए? 2 bytes। तो जैसे जैसे आप कैरेक्टर ऐड करोगे, आपका मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए कि मुझे कौन से टाइप का डेटा रखना है और कितना साइज का डेटा रखना है। टाइप, टाइप बताना क्यों जरूरी है? टाइप के अकॉर्डिंग आपका साइज डिसाइड होगा, और कौन से टाइप का डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपका रेंज भी डिसाइड होगा, राइट। अभी के लिए देखो, आपको डेटा रखना है कहाँ पर? एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डेटा दो टाइप का हो सकता है, एक नंबर टाइप का और एक टेक्स्ट। नंबर टाइप का डेटा कौन सा हो सकता है? इंटीजर और फ्लोटिंग। कैरेक्टर तो सिंपल कैरेक्टर्स रहेंगे, तो नंबर आपके पास छोटा नंबर हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे बताओ, आपको एक कोई किसी का एज स्टोर करना है, तो बहुत छोटा डेटा है वो, किसी का लेट से मुझे मोबाइल नंबर स्टोर करना है, तो मुझे कंटेनर बड़ा चाहिए, राइट। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट वी हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ कंटेनर, वी हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ कंटेनर। छोटा नंबर स्टोर करना है तो छोटा कंटेनर ले लो, बड़ा नंबर स्टोर करना है तो बड़ा कंटेनर ले लो, राइट। तो सबसे छोटा कंटेनर कितना आपके पास? 1 byte नंबर के लिए, जो 1 byte है। तो 1 byte के अंदर क्या होता है? 8 bits, 8 bits। तो 8 bits के अंदर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। इसमें से आपके पास बचते हैं बस 7 digit। कितने? 7, क्योंकि इसमें से एक डिजिट होता है 0101। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं MSB, व्हाट वी कॉल इट एज MSB। ये क्या करता है? जो भी आपका नंबर आप रखने वाले हो इसके अंदर, इसका साइन बताता है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। तो 0 मतलब, और 1 मतलब, 0 मतलब पॉजिटिव और 1 मतलब
नेगेटिव। ठीक, अभी आपके पास बचते हैं बस सात, तो बाकी जो भी डिजिट्स हैं, बाकी जो भी यहाँ पे प्लेसेस, यहाँ पे कौन सा डेटा रहेगा? मशीन को क्या समझ में आता है? जीरो एंड वन ओनली। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जीरो एंड वन, यहाँ पे लिखोगे बस जीरो एंड वन। तो एक तो सारे जीरो कर दो, वो मिनिमम नंबर हो गया, एक तो सारे वन कर दो, वो मैक्सिमम नंबर हो गया, राइट? वन इज द मैक्सिमम नंबर इन बाइनरी। तो आप भी अभी लेट से आपको कोई नंबर स्टोर करना है, लेट से फोर, फोर कौन सा नंबर है आपका? डेसिमल। ये क्या है? डेसिमल नंबर, आपका जो नंबर है फोर है। तो इसको आपको कहाँ पे स्टोर करना है? इस मेमोरी में। तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? जीरो वन में ही होगा। मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है? जीरोज एंड वंस। मेमोरी तो हार्ड है ना, हार्ड, वो जैसे आपका हार्डवेयर है वो, तो उस पर डेटा कैसे रहेगा? जीरोज एंड वंस के हिसाब से। तो इस फोर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? बाइनरी में। तो ये डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में। तो आपको एक सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ, आप मुझे बताओ 123 को आप, आपका डेसिमल है, उसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो आप 100 प्लस 20 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। यस, 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, प्लस 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10^2 प्लस 2 × 10^1 प्लस 3 × 10^0, ऐसे लिख सकता हूँ 0। ये देखो 0 1 2, ये इंक्रीज होता रहेगा ऐसे, राइट? तो इसको आप आउटपुट फाइंड करोगे, देखिए कितना का 100, 20 एंड 3, इनका सम करोगे तो कितना आएगा? 123। सिंपल, ये समझ में आ रहा है आपको? आप अभी मैं आपको एक सिंपल नंबर बताता हूँ, इसका बेस है। तो आपने इसको कैसे लिखा? आपने आपने पहले तो ये डिजिट सेपरेट किया 123 को, 1 2 3। तो लास्ट वाले डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट किया? 10^0, 10^1, 10^2। तो इसको भी ऐसे करो 1 0 0। तो इसका बेस आपने क्या लिया? 10। 10 क्यों लिया? ये 10 क्यों लिया? क्योंकि आपका डेसिमल नंबर है, तो उसमें कितने सारे डिजिट्स है? 10। तो बेस हो गया 10। तो अभी बाइनरी में कितने सारे नंबर्स होता है? 2, 0 एंड 1। तो बेस क्या होगा? तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 2। तो 2 रेस टू कितना हुआ? 0। 2 रेस टू 0 के बाद 2 रेस टू 1, यहाँ पे 2 रेस टू 2। तो इनका सम करो अभी, 1 × 2 रेस टू 2 4 प्लस, ये 0 × anything 0 प्लस 0। तो ये क्या हो गया? 4 कहाँ पे आ गया आपका? डेसिमल में। तो आपको जो आपका 4 है डेसिमल में, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो उसका इक्वेलेंट क्या है? 100 100 100। ठीक, तो आपका 4 मेमोरी में कैसे लिखा जाएगा? ऐसे 100 100, और उसके पीछे सारे जीरोज अपेंड हो जाएंगे। तो आपका जो 4 नंबर था वो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? ऐसे, समझे? अभी इस 1 बाइट के अंदर मैक्सिमम कौन सा नंबर लिख सकते हो आप? 127। योर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट विल बी 127। 127 के लिखो, आप कैसे लिखोगे यहां पर? आप इसको लिखो, इन सबको आप 1 1 कर दो। क्या कर दो आप? इन सबको 1 1 कर दो। मेरे पास 1 बाइट है, ये 0, बाकी 1 1 1 1 एंड 1, कितने सारे हो गए? 7। इनको आप कैसे लिखते हो? इसका डेसिमल में, इसको बाइनरी में, इसको डेसिमल में कैसे करोगे? इनको लिखो फिर 1 × 2 1 × 2 2 रेस टू कितना रहेगा? 6 प्लस 1 × 2 रेस टू 5 1 × 2 रेस टू 4 प्लस 1 × 2 रेस टू 3, ये 4 हो गया। अभी प्लस 1 × 2 रेस टू 2 प्लस 1 × 2 रेस टू 1 प्लस 1 × 2 रेस टू 0। तो यहाँ पे देखो, इस वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, इस वाले को ऐसे लिख दिया, एंड सो ऑन।
तो इनका सम करोगे आप, 1 × 2 raise to 6 कितना आता है, 2 raise to 5, 32 होता है, ये 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 एंड 1, इनका सम करोगे तो आपको मिलेगा 127। तो एक बाइट के अंदर आप कौन सा नंबर स्टोर कर सकते हो, 127 इज द मैक्सिमम नंबर। तो मतलब एक बाइट के मेमोरी में आप कितना नंबर रख सकते हो, व्हाट इज द कैपेसिटी, 127, उससे ज़्यादा रख सकते हो क्या, नहीं। इसके अंदर मिनिमम कौन सा नंबर रख सकते हो एक बाइट के अंदर, आप लिख सकते हो -128 से लेके +127, तो ये रेंज रहेगा आपका एक बाइट के अंदर। तो एक बाइट के अंदर आपको कितना डेटा रख सकते हो, ये वाला मिनिमम कौन सा, -128, और मैक्सिमम कितना, 127। ये दिखाने के लिए कि ये पॉजिटिव नंबर है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, 127 पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो एक बाइट के अंदर मैक्सिमम कौन सा नंबर लिख सकते हो आप, 127 मैक्सिमम, ठीक। अभी मुझे इससे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो 2 बाइट, तो 2 बाइट, अभी देखो 1 बाइट में आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम कितना नंबर रख सकते हो, -128 से लेके 127। 2 बाइट में क्या लिख सकते हो आप, अब ये बहुत बड़ा नंबर है राइट। तो 2 बाइट का रेंज होता है -32768, 32767, तो इतना नंबर आप स्टोर कर सकते हो। इसमें आप क्या स्टोर कर सकते हो, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर ऑफ लेट्स से तालुका प्लेसेस, स्टेट्स, नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या इसमें क्या रख सकते हो, किसी का एज रख सकते हो, एज 127 से ज़्यादा तो होगा नहीं, मोस्टली 100 से ज़्यादा होगा नहीं, तो ऐसे लिख सकते हो आप। अभी मुझे इससे बड़ा नंबर स्टोर करना है, फिर कैसे करोगे आप, 4 बाइट्स, सो यू नीड 4 बाइट्स। तो 4 बाइट्स का रेंज बहुत ज़्यादा है, इसके बाद ये भी कम पड़ रहा है तो 8 बाइट, ठीक है, इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है। यू डोंट नीड टू मग अप दिस, इवन आई डोंट, दैट इज 2147, 148 और बहुत कुछ है, 2 2 2147, 148 और बहुत ज़्यादा है, आप इसको डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो, रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसका भी सेम, आई डोंट रिमेम्बर, आप देख लेना, बहुत बड़ा नंबर है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको जो नंबर चाहिए वो आप, मतलब जो कंटेंट चाहिए आप चूज करते हो। कंटेनर का चॉइस कैसे करोगे, ये तो क्या है, कंटेनर्स हो गया, कंटेनर्स क्या क्या, ये छोटा कंटेनर, इससे थोड़ा बड़ा कंटेनर, इससे और बड़ा कंटेनर, और ये बड़ा कंटेनर। तो आप ये कंटेनर्स आपके पास क्या क्या है, कंटेनर्स 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट और ये 8 बाइट्स, बड़ा वाला 1 2 4 8। तो आपके हिसाब से आपको जो नंबर सेव करना है, जो आपको लगता है कि ये नंबर, मोबाइल नंबर किस में रखोगे, मोबाइल में, ये फर्स्ट वाले में तो नहीं रख पाओगे, फोर्थ वाले में रख सकते हो, यस। अभी लेट से मुझे आपका बैंक बैलेंस रखना है, तो ये मुझे ये वाला चाहिए होगा राइट, बैंक का बोल रहा हूँ मैं, आपका नहीं, बैंक का बैलेंस राइट। आपके लिए तो अभी ये भी चल जाएगा, किसी को ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेट। तो मेरे लिए तो ये भी चल जाएगा, आपके लिए ये चल जाएगा, या ये भी चल जाएगा। लेट से मुझे यूट्यूब का काउंटर रखना है, कितने सारे लोगों ने मेरा वीडियो देखा, या यूट्यूब का काउंट होता है ना, व्यू काउंट्स, तो मोस्टली आप ये यूज़ करोगे, ये भी कम पड़ सकता है, तो आप इसके आगे भी जा सकते हो 16 बिट राइट, तो ये यूज़ कर सकते हो। तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स है, और कंटेनर के हिसाब से आप डेटा रख सकते हो, मतलब आपको लेट से छोटा डेटा रखना है तो आप छोटा कंटेनर ले लो, इफ़ यू वॉन्ट टू पुट अ बिगर नंबर यू कैन टेक अ बिगर काउंट। सो एवरी कंटेनर हैज़ अ मेमोरी एड्रेस, जो भी आपका मेमोरी होगा, हर एक कंटेनर को कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा। तो डेटा कुछ रखना है तो क्या पता होना चाहिए आपको, उसका एड्रेस, ठीक।
उसका एड्रेस पता होना चाहिए, लेकिन ये एड्रेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है रिमेंबर करने के लिए और डिफिकल्ट भी होता है याद रखने के लिए या एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू रखनी है, लेट्स से 127, 127 एज इट इज़ नहीं रहेगा, 0101 में वो कन्वर्ट हो गया रहेगा। इस वैल्यू को मुझे पुट करना है इस कंटेनर को, तो व्हाट आई डू, आई गिव अ अनदर नेम। सो लेट्स से ये क्या है, किसी का एज है। सो मुझे इस कंटेनर को मैंने क्या, पहले तो उसको क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लेबल वी हैव, मेमोरी एड्रेस। तो मैंने उसको अलग से एक और लेबल दे दिया इस कंटेनर को, सो इट इज जस्ट अ अल्टरनेट नेम गिवन टू दिस मेमोरी एड्रेस। तो आपको अल्टीमेटली जाना कहाँ पर है, यहीं पर, लेकिन आपने उसको अल्टरनेट नेम नहीं दिया, एज। तो व्हाट इज एज, एज इज कॉल्ड एज वेरिएबल। सो व्हाट इज वेरिएबल, इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस द डेटा विच वॉज ऑलरेडी देयर और यू कैन पुट द डेटा इजीली। ये लेबल की तरह समझो इसको, क्या है लेबल, जैसे जैसे घर में कोई कंटेनर होता है राइट, उसका पहले तो कोई बड़ा एड्रेस होगा, लेकिन आप उसको शॉर्टकट के लिए कुछ नाम लिख सकते हो उसका राइट, यू कैन राइट द नेम ऑल्सो डायरेक्टली, सो यू कैन इजिली एक्सेस विद हेल्प ऑफ दिस वन शॉर्टकट। जैसे आपको शॉर्टकट पता होगा कंप्यूटर में, डेस्कटॉप, आपको बहुत सारी आपकी कुछ हिडन फाइल है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, फाइल के अंदर फाइल के अंदर फाइल के अंदर, तो आप क्या करते हो, इस फाइल तक जाने के लिए आप डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना के रखते हो। तो व्हाट इज दैट शॉर्टकट, दैट शॉर्टकट इज टेकिंग यू टू दिस पर्टिकुलर एक्चुअल लोकेशन राइट। सो वेरिएबल इज ऑल्सो नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर एक्चुअल लोकेशन, सो दैट डेस्कटॉप शॉर्टकट यू क्रिएट राइट, व्हाट इज दैट शॉर्टकट, इट इज एग्जैक्टली टेकिंग यू टू द लोकेशन इटसेल्फ, वेदर दैट इज एक्चुअल लोकेशन, आप क्लिक करते हो वहां पर डेस्कटॉप पे, वेदर दैट इज एक्चुअल फाइल, नो, दैट इज जस्ट अ शॉर्टकट, दैट इज जस्ट अ लेबल गिवन टू एक्सेस और रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन राइट। सो वॉट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ लोकेशन, मेमरी लोकेशन एड्रेस सो दैट वी कैन इजिली एक्सेस द वैल्यू और इजिली वी कैन पुट द वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेरिएबल, वाई डू वी यूज इट एंड हाउ टू यूज इट। तो व्हाट इज वेरिएबल, इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस सो दैट आप वैल्यू इजिली एक्सेस कर सकते हो या नया वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, और उसको कैसे यूज करना है, यूज करने के लिए पहले तो व्हाट इज दैट, इट इज जस्ट अ नेम, वेरिएबल नेम होगा, व्हाट इज दैट, वेरिएबल नेम, इसको कुछ वैल्यू असाइन होगा, तो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू कैन बी नंबर राइट। अभी ये वैल्यू कौन से टाइप का है, तो वैल्यू इस कंटेनर के अंदर रहेगा, दिस इज काइंड ऑफ कंटेनर ओनली, तो ये वैल्यू कौन से टाइप का है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस, लेट से आपको इंटीजर रखना है या जो भी टाइप का नंबर रखना है, तो आप यहाँ पे लिखते हो डेटा टाइप, डेटा टाइप मतलब कौन से टाइप का ये डेटा आप इस वेरिएबल के अंदर रख रहे हो राइट। ये ऐसा सिंटैक्स है इसका, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, इक्वल टू मतलब असाइनमेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू, दिस इज वेरिएबल नेम एंड दिस इज द डेटा टाइप। इसको एक्चुअल एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे, उसको लेट्स से इंट और मैं किसी का एज स्टोर करना हो, लेट्स से 57, सो व्हाट इज 57, 57 विल बी स्टोर्ड इनसाइड एज, द 57 इट इज ऑफ टाइप इंटीजर, इंटीजर मतलब ये नंबर टाइप का है, इंटीजर इज नथिंग बट अ नंबर टाइप। ठीक, तो ऐसे इसको यूज करते हैं। तो हमारा तीन क्वेश्चन है, व्हाट इज इट, व्हाई डू यूज इट एंड हाउ डू यूज इट। ठीक, एनी क्वेश्चंस सो फार?